सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम फेंकते हैं अपने गार्बेज कैन में इनको। तो जो तबीयत है यहाँ पर सबकी ख़राब है, बच्चों की भी, मेरी भी, सबको फ्लू टेम्परेचर। और यहाँ पर जो है ना पूरा स्टोर बना हुआ है मेडिसिन का, बेड के साइड टेबल पर। और यहाँ पर जो है जी सौंफ, इलायची डाल के, इसमें अदरक डाल के और सिनेमन स्टिक डाल के मैं अपनी जो हूँ यहाँ पर चाय तैयार करने लगी हूँ, जो कि गले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सौंफ इलायची के बाद मैंने इसमें ये सिनेमन स्टिक भी डाल दिया, ये भी इसमें जो है ना अच्छी तरह से पक जाएगी। इसके बाद इसमें जिंजर डालूंगी, चीनी पत्ती और दूध डाल के फिर चाय रेडी करूँगी। तो ये जिसमें जिंजर भी जा चुके हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई आज, बट इट्स ओके, क्योंकि गले के लिए और पेट के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। पेट के लिए इसलिए क्योंकि हम लोग मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तो यू नो कि फ्लू की मेडिसिन से समटाइम आपका जो स्टमक है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये जो चाय है ना, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। आजकल फ्लू का सीज़न है, अगर आप में से भी किसी को फ्लू एंड फीवर है या कोई ज़्यादा मेडिकेशन वगैरह अगर आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसके साथ ये काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहती है। मैंने इसमें पत्ती डाल दी, चीनी डालूंगी और बस दूध डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं जो है ना यहाँ पर मैं टर्की जो सैंडविच है वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ओके आई एम कमिंग। तो यहाँ पर जो है जी ये टर्की के मैंने सारे स्लाइसेस जो हैं वो कट करके रखे हुए हैं स्लाइस के हिसाब से। यस आई एम कमिंग, यू गो टू द बेबी प्लीज, आई एम कमिंग। तो ये जो टर्की स्लाइसेस हैं मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं और ये फ्रोजन है, इनमें से दो तीन को मैं डीफ्रॉस्ट करती हूँ और उसके बाद जो है इसका टर्की सैंडविच जो है बना के वो खाते हैं। तो चलें जी मैं डीफ्रॉस्ट करती हूँ, अपनी बेबी को देखती हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ। तो जी टोस्टर में चले गए हैं मेरे ब्रेड के स्लाइस टोस्ट होने के लिए। और ये हमने जो है ना 3 स्लाइसेस ऑफ टर्की के निकाल लिए, इनको डीफ्रॉस्ट कर लिया, बाकी सारे जो है ये हैं। एंड आई लव 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 टर्की सैंडविच सो मच। और इसको जो है बस हल्का सा, ये ऑलमोस्ट जो है बस रोटी होते हैं, थोड़ा सा बस जो है ना हम इसको हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे। और साथ में एक एग, जिसकी कि मैं योक नहीं लूँगी, जस्ट एग वाइट लूँगी। और यहाँ से हम यूज़ करेंगे जी ऑलिव ऑयल। आजकल मैं अपने जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो ऑलिव ऑयल में ही बना रही हूँ, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा ब्राय नाम से हम ऑयल और उसमें जो है अंडा फ्राई करते हैं। चलिए जी, तो ये देखें जी आप हमारे ऑयल की जो क्वांटिटी है वो चेक करें, बस इतना। ये भी आज बहुत ज़्यादा हो गया, इससे भी जो है ना मैं कम ऑयल में अंडा जो हूँ वो फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, मतलब कि ना होने के बराबर है। तो खैर इसमें हम अपना अंडा डालते हैं जी। तो अंडा जो है हमने अपने पैन में डाल लिया है और अब ये जो योक है ना, ये जो है हम लोग यहाँ पर कर देंगे इसको डिस्कार्ड, क्योंकि वी डोंट नीड दैट। तो जी स्लाइसेस हमारे जो है वो टोस्ट हो चुके हैं। तो ये भी उसी ऑयल में जिसमें मैंने अंडा फ्राई किया था, एक्स्ट्रा मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, उसी ऑयल में जो है मैंने अपने ये जो टर्की स्लाइसेस से इनको भी जो है हल्का सा फ्राई तो नहीं कह सकते, बस हल्का सा सॉटे टाइप सा ही कर लिया बस दोनों साइड से, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड होते हैं, कुक होते हैं, तो इनको इतना ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं लगता है। बस इसमें हल्का सा एक फ्राई के बाद इन्हों हल्का सा एक टेस्ट आ जाता है। तो ये देखें उसी ऑयल में जो है मैंने इसको सारा पका लिया, इसको अपने सैंडविच में लगाते हैं। तो जी यहाँ पर मेरा जो मज़ेदार सा टर्की का सैंडविच है वो हो चुका है रेडी, जिसमें कि कोई सॉसेज नहीं लगाई, सिर्फ टर्की सैंडविच, एग वाइट और साथ में जो है लेटस, ये तीन चीज़ें लगा के सिंपल मैंने जो है आज यही खाऊंगी। वैसे ये वाली जो ब्रेड है कि मीठी वाली है, तो इतना मसला नहीं होगा, वरना मुझे सॉसेज के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, गला ख़राब है। तो जी सॉसेज को करेंगे हम अवॉइड, और ये ड्राई मिल्क का जो पाउडर है ये हम चाय में ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो चाय का मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये चला गया है हमारा ड्राई मिल्क पाउडर, और बस इसको मिक्स करते हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। वेदर जो है वो बाहर बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, मैंने विंडो से देखा तो बाहर बहुत ही माशाल्लाह से जो है वो प्यारा व्यू लग रहा था। और तबीयत भी काफ़ी मतलब अब तो बेहतर हो गई, दो तीन दिन से काफ़ी बुखार था, फ्लू था, और मैंने उसमें जगह इतना प्यारा मौसम है और बस जो दिल है ना बीमार रह के घर में रह के तंग आ गया, तो कहीं जो है बाहर की हवा हमें खिला के लाए, मतलब वॉक वगैरह तो नहीं करेंगे, जस्ट गाड़ी में जो है वो जाएंगे और बस थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो आपको भी साथ ही लेके चलते हैं। तो तैयार श्यार होने का तो मेरा कोई मूड नहीं है। आपकी तबीयत जितनी भी ख़राब हो ना, बस आप कोई ब्राइट कलर की जो है लिपस्टिक लगा लें तो आप काफ़ी हद तक जो है वो फ्रेश लगते हैं। तो मेरा कोई मूड नहीं था तैयार वगैरह होने का, तो मैंने कहा जस्ट सिंपल जो है लिपस्टिक लगाते हैं और बस निकलते हैं। तो लिपस्टिक जो है मैं ये लगाती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम चलते हैं।
हस्बैंड और जो रायन है वो पहले से जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और मैं जो हूँ वो बाद में आती हूँ, क्योंकि बेबी के जो है मिल्क बॉटल रेडी करनी है बच्चों के लिए, पानी हमेशा मैं गाड़ी में लेके जाती हूँ, एक मैंने बैग एक्स्ट्रा बनाया होता है। चाहे हम घर से 5 मिनट के फासले पे भी जा रहे हो ना, तो बेबी बैग जो है वो मैं लाजमी लेके जाती हूँ, पानी की बोतल लाजमी लेके जाती हूँ अपने साथ और बेबी का जो मिल्क है वो। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर जो है हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, इसलिए सारी चीज़ें जो है मैंने सबसे पहले तो साथ रखी, और उसके बाद जो वेदर है ना आज वो इतना कोई प्रीटी था ना। और वैसे भी जिस दिन इस तरह का मौसम होता है या बारिश होती है तो फिर हम बच्चों को लेके पार्क वगैरह में नहीं जा सकते, तो फिर हम इसी तरह से जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। आज खैर वेदर इतना बुरा नहीं था, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, अगर हम चाहते तो पार्क में जा सकते थे, लेकिन आज लॉन्ग ड्राइव पे जाने की जो रीज़न है वो ये था कि सभी को जो है फ्लू एंड फीवर था, तबीयतें जो है सभी की ढीली सी थी, फ्रेश नहीं थे, और इसलिए पार्क में जाके सब ने जो है ना बस बैठे ही होना था, किसी में इतनी एनर्जी नहीं थी। तो हमने सोचा कि गाड़ी में जो है वो अच्छा सा जो है हमारे नेबरहुड की ये सारी सोसाइटी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर जो है ना आके बड़ा आप रिफ्रेश सा हो जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये सारी। तो यहाँ पर जी हम लोग सारा जो है एक्सप्लोर करते रहे, घूमते रहे, वेदर को इंजॉय करते रहे, और यहाँ पर वैसे भी ना ब्यूटी के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मैं अपने हस्बैंड से यही बात करी थी कि यहाँ पर हर जगह पे इतनी मतलब ब्यूटी है, ये जगह जो है ना ये बहुत ब्लेस्ड है हर चीज़ को लेके, मतलब इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, हर जगह इतनी प्यारी लेक्स हैं, पानी है, ग्रीनरी है, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना बहुत ज़्यादा जो है ना रिफ्रेश कर देती हैं। और मेरी एक वैसे भी थोड़ी सी आदत ये है कि मेरी तबीयत भले जितनी भी ख़राब हो ना, तो लेकिन इस तरह के वेदर में जब बाहर कहीं निकला जाए ना तो मैं काफ़ी जो ना रिफ्रेश हो जाती हूँ। जब मैं पाकिस्तान में भी थी और मेरी तबीयत अक्सर ऐसे फ्लू एंड फीवर हो जाता था, तो उसके बाद मतलब 3-4 दिन के बाद जब आपकी तबीयत ना फ्रेश में आते हैं आप और ना ही आप बीमारों में आते हैं ना, उस टाइप की जब मेरी कंडीशन होती थी तो मैं हमेशा मेरी कोशिश होती थी कि कहीं बाहर चले जाएं, ताकि जो जहन में है ना 2-3 दिन से कि जी हम बीमार हैं, ये जहन से जो चीज़ है ना निकले और हम अपने आप को जो है वो फ्रेश फील करें। और आज भी बेसिकली हम लोग इसी वजह से आए थे कि जो बीमारी है उसको हम लोग बस बाय बाय बोलें और हम अपने आप में जो है ना थोड़ी सी फ्रेशनेस जो है वो फील करें और अच्छा फील करें कि जी हम जो है ना फ्रेश हैं। तो खैर ये जो जगह है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बड़े प्यारा सा ये एक रिवर है, और मतलब बहुत ज़्यादा मैं तो फ्रेश हो गई थी बाहर आके, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। और वो जो एक सोच घर में बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे जहन में चल रही थी कि तबीयत नहीं सही है और फ्लू है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सारी चीज़ों से जो है ना आपको काफ़ी हद तक जो है ना जान छूट जाती है, सोच जो है ना आपकी चेंज हो जाती है। और उसके बाद खैर जी गए तो हम लोग थे यहाँ पर सिर्फ वॉक करने के लिए, लेकिन जब रायन साथ हो तो वो फिर घर में जो है वो टॉय लिए बगैर नहीं आता। जी गए अपने टॉय लेने के लिए, पहले हम गए थे डॉलर स्टोर, वो बंद था और उसने घर बिना टॉयज के जाना नहीं था, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट जो है वो 9 बज रहे हैं और यहाँ पर जो स्टोर है वो बंद हो चुका है। तो अभी जो है रायन गया अपने डैडी के साथ स्टोर में, वहाँ से जाके कुछ टॉयज वगैरह जो है वो लेके आएगा, और मैं और ईशाल जो है वो गाड़ी में। तो आई होप कि आज का जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो फटाफट से आपने लाइक कर देना इस वीडियो को, और इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी कर लें मुझे फॉलो तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और जी अपनी लॉन्ग ड्राइव को अच्छे से इंजॉय करने के बाद अभी फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे, और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर रात हो चुकी है और तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी, और साथ ही रायन ने भी शोर डाला हुआ था कि जी मुझे जो है वो पिज्ज़ा खाना है और मेरा कुछ बनाने की हिम्मत मूड नहीं थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो पिज्ज़ा जो है वो ही हम भी खा लेंगे, और ये खा तो मैंने लिया, लेकिन सारी रात जो है ना इसके बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन रही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और ये नहीं खाना चाहिए था, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं थी हलाल में हमारे पास। तो खैर जी उसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से रात को अदरक वाली चाय बनाई और ये पी, और उसके बाद मेरी जो बीमारी है ना वो डकी भाई के व्लॉग्स ने बहुत अच्छे से जो है ना कटवा दी। मतलब 3-4 दिन जो मैं बेड पे रही हूँ ना, तो मैंने इनके मेरे ख्याल से बहुत सारे अगले पिछले सारे जो व्लॉग्स हैं वो देख लिए, और देख के बहुत अच्छा लगा, बड़े मज़ेदार इनके जो है वो व्लॉग्स हैं। तो जी उनको मैंने इन्जॉय किया, और उसके बाद यहाँ पर गले के लिए जो है ना ये वाली मेडिसिन, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इससे मेरे गले को ना बहुत आराम आया, इन दो चीज़ों ने मुझे बहुत सुकून दिया। और यहाँ पर आए हुए थे बड़े फ्रेश से मैंगो, जो कि मैंने खाए नहीं थे 2-3 दिन से आए हुए थे, और आज जो है फाइनली काफ़ी मेरी तबीयत बेटर थी तो मैंने कहा आज रात को जो है ना ये खा ही लेते हैं। वैसे तो ये ठंडे करके ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन मैंने जो है ये गरम खाए थे, ठंडा नहीं खाया था, और काफ़ी मीठे थे और बड़ा ही जो है ना मज़ेदार फल है आम जो है, शायद ही कोई बंदा होगा जिसको ये फल पसंद नहीं है। तो जी 3-4 दिन से तबीयत ख़राब, फ्लू, बुखार, गला ख़राब, सारी कंडीशन में ना आपके मुंह का जो टेस्ट है ना, मेडिसिन खा खा के, आई थिंक फ्लू की मेडिसिन के बाद मुंह का एक अजीब सा ही
टेस्ट हो जाता है, किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा होता। और पता नहीं क्यों बस दिल कर रहा था कि जी कुछ मीठा मीठा जो है वो खाते हैं। सूजी जो है वैसे भी अच्छी होती है, आपके पेट के लिए भी अच्छी होती है और थोड़ी यू नो नरम गज़ा होती है। मुझे पर्सनली राइस से जो है ना बहुत ज़्यादा रेशा हो जाता है फ्लू में, तो इसलिए मैं राइस वगैरह नहीं ले रही। तो जी काफ़ी दिन के बाद दिल किया तो मैंने कहा चलो अल्लाह पाक ने थोड़ी सेहत भी दी है तो जो है ना मज़ेदार सा हलवा वो बनाते हैं। तो वैसे तो मुझे पर्सनली सूजी का हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अभी जो है कुछ 2-4 महीनों से ना मतलब मुझे अच्छा लगने लगा है सूजी का हलवा। तो इसको मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि बहुत अच्छा करके बनाऊं कि मुझसे जो है वो खाया जाए, क्योंकि मैंने बताया मुझे सूजी का हलवा इतना पसंद नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से इसको मैं बनाती हूँ देसी घी के साथ और उसके बाद इसमें खोया वगैरह डाल के अच्छे खासे जो नट्स होते हैं वो डाल के, कोकोनट पाउडर अच्छा खासा डाल के, तो इसका जो टेस्ट है ना वो फिर मुझे लगता है मज़ेदार। तो मैंने पहले भी ये बनाया था लेकिन तब मैंने वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी जो मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर है वो भी डाला था। और ये इतना कोई खोए मलाइयों वाला बड़ा ही मज़ेदार सा जो था ना वो सूजी का हलवा बना था, वरना मुझे पर्सनली सूजी के हलवे में ना कुछ भी लगता है कि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता, सिर्फ सूजी होती है और बाकी एक दो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं लोग वो डालते हैं, तो उससे इतने मज़े का नहीं लगता है सूजी का हलवा। लेकिन मैंने इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ऐड करके, खोया सोया ऐड करके, तो बड़ा ही मज़ेदार तरीके से जो है ये बनाया था और बना भी बहुत ही मज़ेदार था। तो आई होप कि आज का जो मेरा ब्लॉग है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और बस ये आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।